subscribe to our channel and press the bell icon for all notifications. मतलब फिल्म फेस्टिवल में 23 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है और बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इसे, और मुझे भी कुछ अवार्ड मिले, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, जो कि अपने आप में एक बहुत ही कमाल की बात है और बहुत ही गर्व की बात है, न सिर्फ फिल्म के लिए बल्कि इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे इस फिल्म में एक रिप्रेजेंट करती है बाहर जा करके इतने सारे फिल्म फेस्टिवल्स में, और अपने लिए सम्मान लेके आती है, इंडस्ट्री के लिए सम्मान लेके आती है, देश के लिए लेके आती है, इस बात को लेकर के हम बहुत ज़्यादा खुश हैं या लिखी भी नहीं जाती हैं। और एक नई फिल्म है, जैसे कि श्री गोविंद निलानी जी ने कल कहा था कि अच्छा हुआ तुमने बुला लिया, नहीं तो मैं देख नहीं पाता इतनी कमाल की फिल्म, और बड़ी ब्यूटीफुल है, बड़ी नए तरीके का फिल्म है, और नए तरीके का डायरेक्शन, नए तरीके से कहानी, नए तरीके के परफॉर्मेंसेस, तो बहुत सारी चीज़ें जो इस फिल्म में हमने कुछ नया करने की कोशिश की है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मुझे लगता है कि फिल्मों को क्राइटेरिया में डालना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि हर टाइप की फिल्म होती है, एक करण जौहर की टाइप की फिल्म होती है, एक रोहित शेट्टी की टाइप की फिल्म होती हैं, ये थोड़ी अलग टाइप की फिल्में होती हैं क्योंकि ये रियलिटी से बहुत क्लोज होती हैं, और वैसी फिल्में मैंने ज़्यादा की हैं क्योंकि वैसी फिल्में मुझे मिली हैं। सो इन फिल्मों से सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि एक तो आपको एक्टर्स का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, तो आप दो बात सीख के ही जाएंगे, तो आई थिंक बात वही हो जाती है कि अगर आप कुछ नया देखें, कुछ नया सीखें रोज़, तो यू नो आई जस्ट थिंक लाइक दैट मेक्स एवरीथिंग ऑल राइट। आई थिंक सिनेमा शुड बी एबल टू टेक यू एंड ट्रांसपोर्ट इनटू पीपल्स हाउसेज, इनटू पीपल्स लाइफ्स। जैसे कि मैं आपकी लाइफ के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, और अगर आपके बारे में मुझे जानना है तो मैं वो सिनेमा के थ्रू जान सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी फिल्में, बड़े फिल्मों में अगर ऐसे किरदार हों जो जिनसे हम रिलेट कर सकें, जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती और उसके बारे में मुझे एक दो चीज़ें सीखने को मिलें, देन आई थिंक यू नो वो बनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बननी चाहिए, हर कमर्शियल मूवी तो बनती है, ज़्यादा हर फिल्म कमर्शियल ही होती है, बिला वजह का एक टैग है कि ये कमर्शियल है और ये कमर्शियल है, हर पिक्चर यही सोच के बनाई जाती है ना कि पैसे कमाएगी तो कमर्शियल पिक्चर है। अब वो हर फिल्म का अलग अलग नियत होती है, हर फिल्म का अलग अलग एजेंडा होता है, कुछ फिल्में मैसेज करना चाहती हैं, कुछ फिल्में सिर्फ एंटरटेन करना चाहती हैं। हाँ, मनोज का प्रोजेक्ट मेरा प्रोजेक्ट, थैंक यू शुक्ला जी आ गए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मनोज सर इज़ इन माय फिल्म लव सोनिया, और मैं आई एम ऑलवेज बीन अ बिग फैन, एंड बहुत फेस्टिवल्स भी जा चुके हैं फिल्म, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म। द रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। प्लीज़ डू वॉच इट ऑन 14 सितंबर, एंड आई एम वेरी नर्वस ऑफ कोर्स। सी द मेन थीम ऑफ द फिल्म इज, इफ़ यू आस्क मी, इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी बिटवीन टू सिस्टर्स, और जो भी कोई फिल्म देखेगा आई एम श्योर दे विल बी, वो फिल्म देखने के बाद उनको अपने बहन की याद ज़रूर आएंगे। सो आई एम वेरी ग्लैड कि दिस इज़ लाइक दो बहनों की स्टोरी आ रही है। For more updates, please like, share and subscribe to YoYo Times.